अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं और बहुत ईजी है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो वीडियो आपने पूरी देखनी है। आज मैं आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा विद द प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराऊंगा आपको और साथ प्रैक्टिकल भी कराऊंगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इम्तिहान के लिए, तो आपने वीडियो एंड देखनी और समझना इसको गौर से। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखिए पहला पॉइंट है कंपाउंड का। इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। देखें जो कंपाउंड है ये बनता किस तरह, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, एलिमेंट के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। इसके अपोजिट देखें मिक्सचर कैसे बनता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के सिंपल मिक्सिंग अप से बनाते हैं मिक्सचर को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपाउंड कंपाउंड कैसे बनते हैं। देखिए जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जब आपस में मिलते हैं केमिकली तो क्या बनाते हैं, वाटर H2O। ठीक है, यहाँ पे टू लगा दें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए और यहाँ पे भी टू लगा दें। देखिए ये हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन, दोनों केमिकली कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं वाटर। ठीक है, ये आम तरीके से नहीं बनता, ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तारीख में लिखा हुआ इट इज़ फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये केमिकल कम्बिनेशन से बनते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपस में तो एक कंपाउंड बनाते हैं वाटर H2O। जबकि देखें इट इज़ फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। देखें ये हमारे पास कंपाउंड है वाटर H2O। अब ये कैसे बने, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से, और कैसे बने, केमिकल कम्बिनेशन से। आम तरीके से हम कंपाउंड को नहीं बना सकते, ये केमिकली कम्बिनेशन से बनते हैं। जबकि मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर कैसे बनते हैं, देखिए ये वाटर है और वाटर के अंदर आयन डाला हुआ है, तो ये क्या हमारे पास एक मिक्सचर है, और ये कैसे बने, सिंपल मिक्सिंग अप से। इसमें कोई केमिकल मेथड नहीं होता, बस आप वाटर लें और इसके अंदर आयन डाल दें अपनी मर्जी से, और इसमें कोई फिक्स रेशो भी नहीं होती, तो सिंपल मिक्सिंग अप, ये सिंपल मेथड होते हैं। इसी तरह देखिए ये वाटर है और ये इसके अंदर सैंड है, ये मिक्सचर बना हुआ है वाटर प्लस सैंड का। तो ये मिक्सिंग कैसे बनता है, सिंपल मिक्सिंग अप से। डेफिनेशन में लिखा हुआ सिंपल मिक्सिंग अप द सब्सटेंस। सब्सटेंस को हम सिंपली क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मतलब एक बीकर लिया मैंने और बीकर के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर मैंने सैंड को मिक्स कर दिया सिंपल मेथड से, तो इसको हम कहते हैं मिक्सचर। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सैंड प्लस वाटर, हमारा मिक्सचर बन गया। दूसरी एग्जांपल देखें ऑयल प्लस वाटर, ये भी क्या हमारे पास मिक्सचर है। इसमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं होता, बस सिंपल आप एक बीकर लें, बीकर के अंदर वाटर लें और वाटर के अंदर कोई भी चीज़ आप सब्सटेंस को मिक्स कर दें, तो ये मिक्सचर बनते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दी कॉन्स्टिट्यूंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। आप देखिए इस दूसरे पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, जब कोई सब्सटेंस बनता है न्यू सब्सटेंस और जिससे मिलके बना होता है, तो न्यू सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिससे वो मिलके बना होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब जिससे वो मिलके बना होता है, जिससे मिलके बना होता है। इसी एग्जाम्पल को यहाँ मैं मैंशन कर रहा हूँ दोबारा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए वाटर कैसे, वाटर के ये जो हमारे पास कंपाउंड है वाटर H2O, इसके कॉन्स्टिट्यूंट कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन, ये इसके कॉन्स्टिट्यूंट है। कॉन्स्टिट्यूंट का मतलब जिससे मिल के बना हो, वो अजा जिससे मिल के एक कंपाउंड बने उसे हम कॉन्स्टिट्यूंट कहते हैं। तो वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूंट है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन। देखिए ये जो हमारे पास वाटर है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये किस फॉर्म है, लिक्विड।
और हाइड्रोजन भी हमारे पास गैस में है और ऑक्सीजन भी हमारे गैस फॉर्म में है। देखिए हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बना रहे हैं, एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटायरली डिफरेंट है किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूंट से। ठीक है, जो नया सब्सटेंस हमारे पास बने कंपाउंड H2O, इसकी जो प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है किससे, इसके कॉन्स्टिट्यूंट से। ये लिक्विड में, ये दोनों गैसेज में है, तो बिल्कुल डिफरेंट है इसकी प्रॉपर्टीज इसके कॉन्स्टिट्यूंट से। जबकि मिक्सर के अंदर इस तरह नहीं होता, मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स। मिक्सर के अंदर ये होता है, आप जब मिक्सर बनाते हैं, जिससे मिक्सर बनता है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते बल्कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये वाटर है और वाटर में ऑयल मैंने मिक्स किया था। देखें अब जितना मर्ज़ी मिक्स कर लें, ऑयल ऑयल रहेगा और वाटर वाटर रहेगा, ये नहीं वो नई चीज़ बन जाए। तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज शो होती हैं और कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ शो नहीं होती। इसे देखें, हमने एक एग्जांपल दी थी आपको सैंड प्लस वाटर की। देखें सैंड सैंड ही है और वाटर वाटर ही है, वाटर लिक्विड फॉर्म में है और ये सैंड जो है ठोस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर रही हैं। तो मिक्सचर के अंदर प्रॉपर्टीज लूज नहीं होती बल्कि प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं, कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। देखिए कंपाउंड के अंदर हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है, कंपाउंड के अंदर हमेशा फिक्स कंपोजिशन होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, वाटर की एग्जाम्पल लेंगे H2O। ठीक है, अब बस देखें हाइड्रोजन जो एलिमेंट है हमारे पास, इसका मास होता है हमारे पास 1। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 1, और नीचे दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं तो 2:1:2 रेशो, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2:1:2 2:8:16, तो ये हमारे पास आ गया 1:8। देखें ये फिक्स रेशो होती है, आप इस रेशो को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ